अस्सलाम वालेकुम सर। यार वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सर मैं ठीक हूँ सर, आप ठीक हैं? नाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। के साथ भी आ जाते हैं। स्कूल देखें, लास्ट जो लेसन आपके जो कल, वैसे टेस्ट आपका देख लीजिएगा, पिछले जो लेसन देख लें, वो कभी भी ऐसा देख लें। आज हमें टेंथ भी कंप्लीट करना है और रिवीजन भी करनी है। सर जो आपका पिछला लेक्चर यूट्यूब पे पड़ा होगा सर, कल सर कौन सा? वाला सर, ठीक हाँ जी, हाँ, देखा मैंने, आपने भेजा मुझे, उमर है उसने सर। भेजा, दूसरे स्टूडेंट ने भी, आपके साथी ने भी देखा मैंने। अच्छा ठीक है, उसमें वो कुछ स्पेलिंग का बात देख लीजिए, जरा देख लिया करें ना, उसमें गलती ना किया करें ना, स्पेलिंग बहुत यस केयरफुली सर, किया करें, क्योंकि मेन स्पेलिंग होता है इंग्लिश में। यस सर। विलाट में ख़त्म हो जाएगा तो फिर ज़ाहिर है क्लासेज ऑफ लाइन शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे आएंगे सारे, ठीक है ना? फिर यस सर। टेस्ट भी आपका होना है आते ही। यस सर। स्पेलिंग जो है कंप्लीट स्पेलिंग वो देख लेना आपने, COMPLETE। ETE सर, ठीक है सर, मैंने आपको मैसेज भी किया था, आपको ठीक है सर। सर आज आगे टेंस करना है या रिवाइज करेंगे? टेंस टेंस कंप्लीट करेंगे ना, टेंस कंप्लीट करना है और फिर रिवीजन होगी ना, टेंस है कंप्लीट, सर, एग्जांपल्स हाँ, करेंगे। ठीक फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट करेंगे और फिर एग्जांपल्स की शुरू होंगी और इसके बाद रिवीजन है। मैं कह रहा, पता नहीं जवाब क्यों लेट है, क्या मसला है? सयाद भी यूनस मानो चाहिए क्लास में। सर जवाद कल कहीं जा रहा था, लगता है उधर सिग्नल नहीं थे ना,
तो क्या पता गाँव चला गया है जुआ जी, मुझे लगता है। नहीं क्लास अटेंड कर सकता है ना, ये तो कह ऑनलाइन रहा था क्लास। सिग्नल नहीं है। मैं यस सर, हाँ वो कल कह रहा था कि सिग्नल नहीं है। अच्छा, चलें फिर शुरू करते हैं, फिर एग्जाम्पल शुरू करें, फिर आप ओके सर, उसको भेज देना, फिर उसको ठीक है सर, व्हाट्सएप कर देना अपना, जब ग्रुप में भेजोगे आप। यस अच्छा, सर, ग्रुप में सियाल को मिल भी, जाएगा। यूनुस यूनुस को भी। चलें शुरू करें, एग्जाम्पल्स हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, शुरू करें ताकि आपका टाइम ओके ज़ाया ना सर, हो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एग्जाम्पल्स शुरू करें इसकी। बोले सर। ये है, ही विल हैव गॉन टू ऑफिस, ही विल हैव गॉन टू ऑफिस, लिख ही विल हैव गॉन टू लिया सर ऑफिस आगे, बिफोर। बिफोर यस सर, यस बिफोर सर, बिफोर ही ड्रिंक्स वाटर, बिफोर ही ड्रिंक्स वाटर। इससे पहले के वो दफ्तर जा चुका होगा, इससे पहले वो पानी पीता है। नेक्स्ट, ओके सर, शी विल हैव रीड अ बुक, शी विल हैव रीड अ बुक। सर विल हैव जो है ये गैप दे के लिखेंगे या नहीं अगट्ठा? नहीं गैप है इसमें, फर्क है, जगह छोड़नी है आपने। विल हैव में ना डिस्टेंस ओके है, सर, शी विल अगट्ठा नहीं। हैव, हाँ, ओके ये सर, दो डिस्टेंस। दो वर्ड हैं, विल हैव अलग अलग है। शी विल हैव रीड अ बुक शी बिफोर, विल हैव, शी विल हैव रीड अ बुक, शी विल हैव रीड अ बुक बिफोर बिफोर, शी कंप्लीट्स द वर्क, शी आगे सर, कंप्लीट्स कंप्लीट CompleteCOMPLETE शी टी एल कंप्लीट्स या कंप्लीट, यस कंप्लीट्स ES मतलब कंप्लीट्स है ना, आखिर शी में ई कंप्लीट्स द, कंप्लीट्स यस सर, द शी वर्क कंप्लीट्स द वर्क कंप्लीट की वर्क, स्पेलिंग CompleTE, लिख लिया सर, ठीक है सर, ठीक है, ET ES। आगे है, इट विल हैव रेन टुमारो, इट विल हैव रेन्ड RAINED, इट विल हैव रेन टुमारो रेन बिफोर, टुमारो, इट विल हैव रेन्ड टुमारो बिफोर द गेस्ट, बिफोर द गेस्ट कम्स एट होम, बिफोर द गेस्ट कम्स COMES, बिफोर द गेस्ट कम्स एट होम। इससे पहले बारिश, कल बारिश हो चुकी होगी, इससे पहले के इट विल हैव, इट विल हैव रेन इट विल टुमारो, हैव, रेन इट विल हैव रेन सर इट टू विल हैव रेन टुमारो, टुमारो बिफोर बिफोर, बिफोर द गेस्ट बिफोर सिग्नल नहीं है सर, वो आवाज कट रही है। सर बिफोर द गेस्ट इट विल हैव रेन्ड टू आगे मारो सर, बिफोर द गेस्ट कम्स एट होम, बिफोर द गेस्ट, बिफोर द गेस्ट कम्स एट होम, कम्स COMES। लिख लिया है सर, ठीक है ना, ये एक साल बारिश, कल बारिश हो आगे चुकी बोले होगी, सर, कल बारिश हो चुकी होगी, इससे पहले के मेहमान घर आता है। अगे नेक्स्ट है, दे विल हैव टेकन द डिनर, दे विल हैव टेकन द डिनर टेकन द डिनर डी बिफोर, दे विल हैव टेकन द डिनर यस सर, आगे सर, बिफोर दे टेक टी, बिफोर दे टेक टी। टेक टी, ओके सर, लिख लिया है। जी आगे देखें, आई शैल हैव, Have आई शैल हैव फिनिश द वर्क, आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क the work बिफोर आई गो टू कॉलेज, बिफोर आई गो टू कॉलेज। लिया सर, आगे है, वी शैल हैव
वी शैल हैव आके वी शैल हैव टेकन द मेडिसन बिफोर वी शैल हैव टेकन द मेडिसन बिफोर 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 वी यस सर बिफोर वी वॉच द टीवी बिफोर वी वॉच द टीवी टीवी नंबर सेवन सर लिखवाएं यस नेक्स्ट यू विल हैव यू विल हैव विल हैव यू विल हैव स्टार्टेड द वर्क स्टार्टेड STARTED शुरू कर चुके होगे यू विल हैव स्टार्टेड द वर्क तुम काम शुरू कर चुके होगे बिफोर 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 यू बिफोर यू बिफोर यू प्ले द मैच बिफोर यू प्ले द मैच जी आगे यस सर ही विल हैव एट he will have taken the rest he will have taken the rest before 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 he goes on picnic picnic ke spelling sir bole picnic 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 okay lik picnic likh liya sir number 9 next she will have gone to office she will have gone to office she will have gone to office gone G-O-N-E third form hai gogi she will have gone yes, to sir. office Go, before please. before yes sir before she takes the breakfast next number 10 they will have drunk water they will have drunk water before yes sir before they take the lunch नंबर 11 जी हो गया आगे चल यस सर आगे है यस सर आगे है आई शैल हैव आई शैल हैव कम बैक फ्रॉम लाहौर आई शैल हैव कम बैक फ्रॉम लाहौर before I shall have come back from Lahore before yes sir before I go to college number 12 next bole sir we shall have we shall have played the match we shall have played the match okay sir before we yes sir before we go for sleep यस सर आगे बोले नेक्स्ट यू विल हैव
यू विल हैव हैव वॉन द मैच। वॉन द मैच बिफोर आगे सर बिफोर द फादर बिफोर द फादर कॉल्स कॉल्स CALLS, इससे पहले के वालिद बुलाता है। यस सर ओके नेक्स्ट ये है यू, या यू कल कहा था मैंने आपको? ये यू का था सर हाँ यू का। कितने हो गए आप नंबर आपके थर्टीन सर पास? 15 करनी है ना ये, चल 15 कर लेंगे। आगे देखें, ही विल हैव, ही विल हैव ही विल हैव स्पोकन द ट्रूथ, ही विल हैव स्पोकन द ट्रूथ ट्रूथ बिफोर आगे सर बिफोर बिफोर द मदर, बिफोर द मदर बिफोर द बिफोर द मदर मदर आस्क्स, पूछती है, इससे पहले के वालदा पूछती है। आस्क्स ASKS, ASKES KS ए फॉर ठीक है सर एप्पल, आस्क एस फॉर शुगर, ए फॉर एप्पल, एस एस फॉर फॉर शुगर, के फॉर किलो, एस फॉर शुगर, आस्क्स पूछती है। यस सर लिख लिया हो गई 15, नंबर 15 नंबर 15 अब। 14 हुई है सर अभी 15 हाँ 14 है। लिखवाएंगे ओके ओके राइट। यस सर चलो अच्छा, लिखें आप, लिखें आगे के आई शैल हैव, आई आई शैल शैल हैव, हैव आई, आई शैल हैव हाँ ठीक है, आई शैल यस सर हैव, ये आप कह रहे हैं कि इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड INFORMED, आई शैल हैव इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्म टू टीचर, आगे बोले सर टू इन्फॉर्म टू टीचर टीचर बिफोर बिफोर यस सर बिफोर यस सर बिफोर आई आई गो, आई गो ऑन लीव। लिया सर जी ये जी आपकी एग्जाम्पल, 15 एग्जाम्पल हैं आपकी। अब ये आपने बनानी है, जितनी बना सकते हैं आप, 40 बनाएं, 50 बनाएं, भेज दीजिएगा मुझे, ठीक है? आपकी प्रैक्टिस अपनी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। अब इसमें एक ख्याल करना है आपने, मैंने कि ये जो आपका, मैंने जो हेल्पिंग वर्ब लगाया है ना प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में, वर्ब के साथ, ही शी इट के साथ, आपको पता है वर्ब जब आए तो यस सर ये ख्याल करना है आपने, लाजमी लगाना है। और दूसरी बात ये कि यस मैंने कहा तो दूसरे इस्तेमाल लाजमी नहीं है, अगर आप डेफिनेशन में जो यूज़ करें, आप जैसे जैसे यस भी डेफिनेशन वैसे ही आपने एग्जांपल्स करनी है, ठीक है? टेस्ट अगर मैं आ गया करिए, ठीक ओके है? सर इस तरह भी आप जो होमवर्क करेंगे, ओके इसमें सर इसमें ख्याल करना है आपने, दोनों टेंसेज जिक्र करेंगे, उसमें एग्जाम्पल भी दोनों टेंसेज का जिक्र होगा। अगर टेंस में ओके सर एक का जिक्र है टेंस का, तो एग्जाम्पल में सिर्फ एक टेंस का जिक्र होगा, ये ख्याल करना है, ठीक है? दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए। ओके सर तो इसमें यह है कि पहले एक काम जो है सोचो में मुकम्मल कर लिया है दूसरे काम से पहले, ये याद रखना है कि पहले एक काम आपने सोचो में यस मुकम्मल किया है, फिर दूसरा काम बाद में आता है, वो है प्रेजेंट एफर्ट टेंस का। ये चीज़ें ऐसी हैं। ओके अच्छा सर अब ज़रा मामला है हमारा, जो रिवीजन का मामला है हमारे, माशाल्लाह टेंसिस जो है 11 टेंसिस हमारे हो गए, तो उसको थोड़ा इन चीज़ों को रिवाइज करना है, ये बहुत ज़रूरी है वोकेबलरी को। तो आप वो हो गए, आप कर लेंगे मेरे ख्याल में, वो भी इशू नहीं है आपके लिए, ठीक है ना? फिर भी कोई मसला है तो मुझसे पूछ लेना रिवीजन डे है, यस ठीक सर है? टेंसिस का मामला बड़ा ही नाजुक यस सर मामला है, पार्टिसिपेट में आसार ठीक है आपके, जो मामला है टेंसिस का बड़ा नाजुक मामला है। मैंने ये कहा था आपको कि लास्ट क्लास में ये सर बात की थी कि अगर आपने एक्सपर्ट होना है टेंसिस में, तो आपको टेंस को दूसरे टाइम में चेंज करने में महारत होनी चाहिए, ठीक है? फटाफट आप चेंज कर लें। जैसे कि सर मैं आपसे प्रैक्टिस करवाता हूँ, मैं आपसे एक टेंस बोलूंगा, आपने दूसरे में करना है, तीसरे में अगर नहीं कर सके मैं कर दूंगा आपको। तो ये प्रैक्टिस इस तरह करनी है आपने, अगर टेंस में एक्सपर्ट होना है तो ये तरीका सबसे बेस्ट वे है। तो लेट आई स्टार्ट नाउ फर्स्ट। सर जी पास्ट इनडेफिनेट से एक बार रिवाइज करवा दें सर पास्ट डेफिनेट टेंस, अच्छा, और तो कोई नहीं इसके अलावा? पास्ट इनडेफिनेट सर और फ्यूचर जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है,
और कौन सा है? पास्ट डेफिनेट टेंस भी और है? पास्ट इनडेफिनेट टेंस। अच्छा, यस दोनों सर, एक ही कैटेगरी में। अच्छा ठीक है, पहले सुन लें यस पास्ट डेफिनेट टेंस के बारे में, ठीक है? पहले वो आता है ना, पास्ट यस सर, यस सर, इनडेफिनेट टेंस जो है, मैं आपको उर्दू दोनों इंग्लिश में दोनों बता देता हूँ। यस सर, इफ वी डू एनी वर्क इन द पास्ट देन इट इज कॉल्ड पास्ट इनडेफिनेट टेंस। वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन दिस टेंस। सेकंड We do फॉर्म not ऑफ वर्ब use इन दिस। helping verb in this tense. We make short sentences in this tense. We do not use helping verb in this tense. यस We use verb in the end of sentence. यस सर, Okay, उर्दू। अब इसमें ये है कि जुमले इसमें बड़े छोटे बनते हैं, बात माजी में की जाती है, माजी की बात होती है और मुख्तसर बात होती है, helping verb का यस इस्तेमाल नहीं होता है इसमें, और इसलिए जुमले छोटे बनते हैं। और जैसे कि मसलन मिसाल देता हूँ कि मैं गया, अगर आप इसमें ऑब्जेक्टिव कर नहीं भी करते हैं, आई वेंट, ठीक है, मैं गया, ये कोई आई पास्ट वेंट, इंडेफिनिट टेंस ओके सर, है। अगर आप कहते हैं मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू बाजार, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। यस सर, तो यस सर, सबसे मुख्तसर जुमले इसमें बनते हैं और जिसमें इंसान को जल्दी होती है, ज्यादा इस टेंस को यूज करता है। ओके और सर, जिस टेंस में सवाल, उस टेंस में जवाब है। कोई आपसे पूछता है जी क्या आपके पेपर हो गए, हो गए, हाँ, ओके सर, तो आप कहते हैं हाँ जी मेरे पेपर हो गए। तो इसी तरह यानी कि क्वेश्चन ही पूछेगा, डिड योर पेपर्स कंप्लीट, ये सवाल है। आप कहेंगे यस माय पेपर्स कंप्लीटेड, माय पेपर्स यस कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, सेकंड यस फॉर्म वर्ब की सेकंड कंप्लीटेड, फॉर्म का ओके सर, इस्तेमाल है। लेकिन जब आप, अभी आपके वो शुरू नहीं हुए ना नेगेटिव इंटरोगेटिव के बाद में शुरू होंगे आपके, अभी अभी उसमें जाना नहीं, वो जब यस आएंगे सर, वो बताऊंगा आपको, वरना आप डिपार्टमेंट हो ओके, जाएंगे तो फिर वो मामला जो है ना वो हो जाएगा गड़बड़। ओके सर, समझ आ गया सर, तो ये है कि मैं ये बात करना चाह रहा हूं। अच्छा, ये क्या हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आपका? यस सर, अच्छा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यही कह रहे हैं कि यही है ना टेंस आपका जो पूछ रहे हैं, पास्ट यही है, परफेक्ट। यस सर, अच्छा, यस सर, यही इसमें है सर, माजी में ओके, इन इंग्लिश, आई टॉक इन इंग्लिश नाउ। इफ वी डू एनी वर्क कंटिन्यूअसली इन द पास्ट टाइम फ्रॉम सक्सेसिव पीरियड ऑफ पास्ट टाइम देन इट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इफ वी डू एनी वर्क इन पास्ट टाइम एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वी यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इन दिस टेंस। यस सर, वी यूज हैड बीन एज हेल्पिंग वर्ब विदाउट प्रोनाउंस ऑफ सब्जेक्ट्स। We use for as a specific period and we use since as a specific time। यस सर, ये आपका है कि भाई आपने माजी में जो काम आपने किसी मशीन की मदद या वक्त से शुरू किए, ये यकीन है आपको इस बात का, सर, वक्त से वो काम आपने शुरू किए, लंबे अरसे तक शुरू किए, जारी रखे, लेकिन ये नहीं पता खत्म किए या नहीं किए, नहीं पता, ठीक है, लेकिन सर, ये याद है आपको कि वो किसी मकसूद मदद वक्त से वो काम जारी रहे लंबे अरसे तक, यही आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके सर, ओके फिर इसमें कंटिन्यूस की वजह से सर, क्योंकि टेंस में कंटिन्यूस आ गया, तो बाकी चौथे फॉर्म का इस्तेमाल लाजमी है और हैड बीन का इस्तेमाल तमाम प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ है। फिर यस सर, वी मखसूस मुद्दा यूज, खास मुद्दे के लिए फॉर का यस इस्तेमाल है, सर, मखसूस वक्त या खास वक्त के लिए सिंस का इस्तेमाल है। पहचान जुमले के आखिर में रहता था, रहती रहती थी या रहा था, रहती रहेगी, जरूरत के मुताबिक होता है। ओके, अब होता है, ओके सर, नो मैं ये कह रहा हूँ, और टेंस ऐसा नहीं है कोई मसला, तो किसी टेंस में और सर, और नहीं है सर, बस, ठीक है। अब मैं और टेंस बोलूंगा, आपने दूसरे टाइम चेंज करना होगा उसको, ठीक है? बोले सर, ये मैं बोल रहा हूँ कि आई वॉज प्लेइंग द मैच, इसको चेंज करें आप, इसको आप चेंज करें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, आई वॉज प्लेइंग द मैच। आई शेल फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आई शेल प्लेइंग द मैच सर, में, आईएनजी लगेगा, प्लेइंग, आई शैल बी प्लेइंग द मैच। प्लेइंग हाँ शेल बी सर, ठीक आई शैल बी प्लेइंग द है मैच, सर, इसको चेंज करें प्रेजेंट, आप इसको शेल चेंज करें बी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इनडेफिनिट सेंस, आई प्ले द मैच, आई प्ले द मैच, समझ आई बात?
जिसमें बात आ रही है। यस सर, ठीक है, हो गया ना, आई प्ले द सर मैच। आई के साथ आई प्ले द मैच सर। हाँ, इसको चेंज करें आप पास्ट डेफिनेट टेंस में। पास्ट इनडेफिनेट टेंस, ठीक है सर। आई सर यही नहीं आएगा आई प्ले द मैच। आई प्ले द मैच ना, मैं मैच खेलता हूँ, प्ले डेफिनेट टेंस है ना, आई प्लेड द मैच, पास्ट डेफिनेट टेंस, सेकंड फॉर्म लग जाएगी, ईडी लग जाएगा साथ, आई सेकंड प्लेड द फॉर्म, मैच। यस सर आई प्लेड द मैच, ठीक है हाँ सर ना, आई प्लेड द मैच। इसको चेंज करें आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, आई प्लेड द मैच को चेंज करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में आई हैव बीन प्लेइंग द मैच, आई हैव बीन प्लेइंग द मैच। प्लेइंग द मैच फॉर 1 ईयर। यस सर फॉर 1 ईयर, ओके सर मुझसे फॉर बाकी वन दिलदार्मी ईयर करेंगे ना आप। आई यस हैव बीन सर प्लेइंग द मैच फॉर 1 ईयर, या आई हैव बीन प्लेइंग द मैच सिंस मॉर्निंग, या आई हैव बीन प्लेइंग द सिंस मैच मॉर्निंग, ओके सिंस सर 2018, यस सर या आई हैव बीन प्लेइंग द मैच सिंस मंडे, आई हैव मंडे, बीन प्लेइंग द मैच सिंस 4 PM। ओके, फोर पी आई एम हैव बीन प्लेइंग द ओके सर मैच सिंस 4 o'clock, इस तरह। ओके, ओके सर इसको चेंज करें आप, अब इसको चेंज करें पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, आई हैव बीन प्लेइंग द मैच फॉर 1 ईयर, इसको चेंज करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इनडेफिनेट में सर क्या सेंटेंस बोले आई आई हैव बीन प्लेइंग द मैच फॉर 1 ईयर। सर आई हैड आई पास्ट इनडेफिनेट में आएगा आई प्लेड द मैच हाँ बिल्कुल ठीक है, आई प्लेड द मैच, ये पहले गुजरा ना, मैं जब आपको दोबारा चेक कर रहा था। ये सर आई प्लेड द मैच को चेंज करें फ्यूचर डेफिनेट टेंस में। आई विल फ्यूचर आई प्लेड द मैच को चेंज करें, इनडेफिनेट हाँ में सर जी, फ्यूचर इनडेफिनेट प्ले द मैच सर आई प्लेड द मैच, विल शेयर नहीं लगता सर इसमें आई शैल प्ले द मैच। यस सर आई शेल प्ले द मैच कंफ्यूज कंफ्यूज हो जाते हैं आप, हैं फॉर्मूले को, फॉर्मूलों को रटा लगाएं, सबसे अच्छा तरीका, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब को याद यस सर करें, यही यही हेल्पिंग मैं कर वर्ब रहा को हूँ सर याद करें, थर्ड वर्ब की फॉर्म्स को देखें, ठीक है, कौन सी लगेगी, ओके कौन सी सर लगेगी, किस में लगेगी। ओके, आई शैल प्ले द मैच को चेंज करो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, आई शैल प्ले द मैच। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सर आई एम प्लेइंग द मैच सर गुड, आई इसको, आई एम प्लेइंग द मैच हाँ इसको चेंज करो पास्ट परफेक्ट टेंस में, आई एम प्लेइंग द मैच। पास्ट परफेक्ट पास्ट आई हैड बीन प्लेड द मैच गुड, वेरी गुड, इसको चेंज कर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट आई प्ले द मैच सर आई हैव प्लेड द मैच, प्रेजेंट परफेक्ट यस सर आई आई हैव प्लेड यस द सर मैच, आई हैव प्लेड द मैच अब इसको चेंज करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, आई हैव प्लेड द मैच, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट जो मुझसे पूछे थे आप। आई आई हैड बीन प्लेइंग द मैच हाँ, सिंस मॉर्निंग सर सिंस सिंस क्या है, सिंस के बाद,
मॉर्निंग सर। सिंस मॉर्निंग, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब जो है ये आपका सारा ठीक है ना, इस तरह आपने करनी है प्रैक्टिस आपने, ठीक है ना। यस सर। और फिर आप टेस्ट खुद लें, आप टेस्ट खुद लेंगे, फार्मूले को रटा लगाएं, इनकी जो फार्मूले हैं टेंसेस के, ठीक है ना, इससे बड़ी आसानी हो जाएगी आपको। ओके सर। इनके हेल्पिंग वर्ब को रटा लगाएं, ये आसानी, एक टेबल बना लें, भाई पूरा एक टेबल बना लें, कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस क्या है, ठीक है ना, इनके यस उनको सर। याद करें ताकि अच्छा टेस्ट आपको बेहतरीन टेस्ट हो जाए, जो टेस्ट का आपका कल टेस्ट आ रहा है। जिबास को भी कहें टेस्ट में आए, और सयाल और यूनुस को भी कहें, ठीक है ना, वहाँ जूते बड़ा अच्छा फायदा हो जाता है यस उनको, सर। बड़ा फायदा होता है। मैं तो ग्रुप में मैसेज कर दूंगा सर। हाँ ठीक है, तो ये है कि जो है ना वो कभी का देख लो अपनी, वो कभी मैं अभी पूछूंगा आपसे, जबानी पूछूंगा अभी आपसे, आप सर कभी देख लो अभी। सर धोखा देने, धोखा धोखा देना को, देने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? धोखा देने को। धोखा देना, यस ये सर। आपको लगा देना, ये डिसीव, क्या डी डिस ई सी ई आई वी ई, डिसीव, धोखा देना। डिसीव, धोखा देना। ठीक है सर। शिमला, शिमला मर्च जो होती है सर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या होती है? शिमला मर्च। शिमला मर्च सर, शिमला शिमला मिर्च, मर्च। शिमला मिर्च, वेजिटेबल, कैप्सिकम, यस सर। कैप्सिकम, यस सर। कैप्सिकम। CAPSICUM। CAPS। ओके सर। आम, बनाना, स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग कभी वो भी देखो जरा। यस सर। सर गन्ना जो होता है, गन्ना, उसको शुगर इंग्लिश में केन, क्या कहते शुगर केन, हैं? शुगर केन। SUG। शुगर केन, शुगर केन। ओके सर। शुगर केन। अमरूद को सर, अमरूद। जी हम लोग अमरूद सर, अमरूद। अमरूद, गावा, गावा, गावा। स्पेलिंग सर। GUAVA, GUAVA, VA। ओके सर। VA। GUAVA, गावा। 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 GUAVA। GUV। GUAVA सर या E? GUAVA, A। ओके सर। गलत लिखा हुआ है। गावा। सर नारियल को सर, कोकोनट। कोकोनट, नारियल, CONUT, कोकोनट। ओके सर। कोकोनट।
बेटर गोल्ड, बेटर गोल्ड, बेटर एप्रो गोल्ड, अदरक को कहते हैं गार्लिक को, पाली को कहते हैं स्पेनिश, स्पेनिश ग्रास, मक्खन, बेटर 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 ये बेटर बेटर को कहते हैं बेटर में, तो उसमें जीती को कहते हैं सेंसियरिटी, एस ई आर आई ओ एन सेंसियर, सेंसियरिटी सेंस एशिया को गुड्स, मुश्किल को हर्डल्स, ऑब्लिगेंट्स और ऑब्स्टेकल्स, और फ्लड सैलाब जलजला का अर्थ क्या है? सर करेले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिटर गोल्ड, बिटर गोल्ड, बिटर गोल्ड, बिटर गोल्ड, तीन डॉग, अदरक कास, बेटरमेंट फ्लड अर्थक्विक, भिंडी, ओकरा, बीन्स, टर्निप, गार्लिक, चिली, ए आर एल आई सी, कॉर्नेट, सर जब लॉकडाउन खुल जाएगा क्लास 8 बजे ही हुआ करेगी? हाँ टाइम यार वही होंगे, टाइम तो चेंज नहीं होंगे, टाइम तो वही रहेंगे, आप ओके सर। फ्रेश रहना है, कामयाब रहना है, तो ये भी थोड़ा टफ टाइम निकाल लो, कामयाब होना है फॉर एवर। यस सर। हाँ अभी जो इंसान कर लेता है ना बर्दाश्त, सख्ती तो आगे जाके आसानी आसानी होती है, ये यस सर। तो कुछ हफ्तों की क्लास अब रहेगी आपकी, पता ही है आपको लैंग्वेज शुरू होनी है आगे फिर आपकी। लैंग्वेज की क्लास जब स्टार्ट होगी सर आगे, तो उस वक्त भी यही टाइम रहेगा? हाँ ये रहेगा, कोई और क्लासेस भी होती है ना, आपकी क्लास नहीं होती ना, हर ओके क्लास सर। में टाइम है, ठीक है ना, अभी आज के बाद भी एक क्लास है, ठीक है ना, फौरी तौर पे 11 बजे क्लास शुरू हो जाएगी एक। यस सर। आपका टाइम तो 8 बजे नहीं था पहले टाइम, क्लास का टाइम? हाँ 8 से 9 है ना सर? आप 9 कर दिए ना, आप 9 बजे पाया करें, बट आपका अच्छा नहीं हो गया 9 बजे टाइम, वरना तो प्राण टाइम तो होता फिर 8 बजे था ना, फिर अगर वो होता तो। यस सर, 8 से 9 तक था आपके ना, टाइम में भी रखेंगे फिर ना, नौ 9 ही से दस रखेंगे आपका, ठीक है? 9 से 10 सर। हाँ ठीक है ना, क्यों यस सर, ठीक है सर। आपका टाइम क्या था पहले, 8 से 9 नहीं था आपका टाइम, 8 से 9 था ना सर? 8 से 9 टाइम था ना आपका, ठीक है, यस सर, यस, 8 से 9, अभी टाइम आपका चल रहा है 10 से, 11, हाँ 10 से 11 टाइम आपका चल रहा है अभी, 9 से 10। चले मैं आपको टाइम आपको कंफर्म कर दूँ, अभी तो है ना दिन, अभी तो टाइम है सर। अभी तो यस दिन है ना, अभी तो 24 तक है, 24 को मतलब आपको मैं देखो बता भी दूंगा, आपको कन्फर्म भी कर दूंगा क्लास का टाइम, वो तो मॉर्निंग टाइम ही होगा ना, 1 घंटे का फर्क ही पड़ेगा ना आपका, ठीक है, यस वो मैं बता दूंगा, कन्फर्म कर यस सर, दूंगा, होगी कि क्लास मॉर्निंग ही आपकी होगी। यस सर। चालीस पे क्लास खत्म हो जाएगी सर? हाँ 40 पे खत्म कर देंगे, क्योंकि आप अकेले हैं ना आज, यस सर।
आज 40 मिनट क्लास ही होगी, क्योंकि आप अकेले हैं, वरना घंटे की पूरी कर लेते हैं, और स्टूडेंट नहीं आपके साथ में। 40 मिनट ठीक है, चलो कोई बात, पूछ लो, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। प्रॉब्लम नहीं है, वो इस वर्ड मीनिंग पढ़ रहा था, ठीक है सर, वो याद करने हैं बस। क्लास 40 मिनट हो गए आपके? 35 मिनट हो गए हैं सर। हाँ, बस 5 मिनट और देख लें, बस 5 मिनट तो होने। मैं आपसे जल्दी कुछ पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा वो कुछ वर्ड्स पूछ लेता हूँ आपसे, ठीक है? बाकी आप रिवाइज खुद ही कर लेंगे हैं। यस मुझे सर। ये बताएं कि बैंगन की इंग्लिश क्या है? बैंगन, ब्रिंजर सर, बैंगन, ब्रिंजर बैंगन, बैंगन, ब्रिंजर, स्पेलिंग क्या है? सर, ये याद कर रहा हूँ सर, अभी ये बड़े मुश्किल से लगते हैं सर। ब्रिंजल, BRINJAL, ब्रिंजल, जी यस सर, ये सब वेजिटेबल वेजिटेबल BRI, नेम सर मुश्किल है, वो याद कर रहा था। यस सर, हाँ देखो देखो देखो, ब्रिंजर। ब्रिंजल। यस सर। ब्रिंजर अर्थक्वेक एशिया को कहते हैं, कुछ स्ट्रगल्स बेहतरी, बटरमेट मक्खन, बटर बैटर, अदरक, गार्लिक, जिंजर, जिंजर टी को कहते हैं, एप्पल कोल्ड, ठीक है फिर शुएब, प्रैक्टिस ओके सर, अल्लाह कंप्लीट कर लो कल, जरा आपने हाफिज। फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आना है, मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं आपने, ठीक है? ओके सर, ओके, क्लास इज गोइंग टू एंड नाउ, और इसके मुझे भेज देना होमवर्क, ठीक है? ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज।